287 करोड़ कैश, ढेर सारा सोना, कई किलो चांदी और चंदन का तेल, ये कोई कुबेर का खजाना नहीं है। लेकिन कानपुर वाले इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ से निकल रही है दौलत कुबेर के खजाने से कम भी नहीं है। कानपुर से लेकर कन्नौज तक पीयूष जैन के घर की दीवारें दौलत उगल रही है। लेकिन इस दौलत वाली इत्र पर सियासत अभी भी विचित्र है। बीजेपी पहले दिन से ही जैन के कनेक्शन को समाजवादी पार्टी से जोड़ रही है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने, जो कहता था कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है, ये गरीबों की आग का प्रतीक है। पीयूष जैन के इत्रलोक में ताले, तहखाने और 300 चाबियों के तमाम राज खुलने अभी बाकी हैं। लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से तमाम राज खोल रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता तो सोशल मीडिया से लेकर सियासी मंचों तक पर समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं। बात अब नोटबंदी के विरोध तक पर आ गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार, और किस कदर भ्रष्टाचार था, जो लोग 5 साल से सत्ता के बाहर हैं, आज दीवारों से नोट किस प्रकार से 5 साल के बाद भी निकल रहे हैं, पिछले 3 दिनों के अंदर आप देख ही रहे होंगे उनके नमूनों। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर छापे के बाद अब पीयूष जैन के प्रकरण ने छापेमारी पर सूबे की सियासत को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। उधर बीजेपी समाजवादी पार्टी से बता रही है पीयूष जैन के संबंध। इधर अखिलेश यादव ने जैन की जड़ों को बीजेपी से जोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने पलटवार किया है कि झूठ के फूल की मिल गई है जड़। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिस तरह से काले धन का जखीरा मिला है, वो काले धन का एक एक नोट चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के कह रहा है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आपकी नोटबंदी की जो पॉलिसी थी वो फेल है, फेल है, फेल है, काला धन आज भी जिंदा है। फर्जी फर्म, कंपनियां, जेवर और जमीन, बेईमानी का बहुत कुछ बताया जा रहा है जैन के बही खाते में। चार चार मशीनें नोट गिन रही हैं। इस अकूत दौलत को गिनने और समझने का सिलसिला बीते 3 दिन से जारी है, और जारी है सियासत भी लगातार। कानपुर में जिस कारोबारी के घर से अरबों रुपए का कैश मिला है, उसकी कुछ पोस्टों से उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध होने का अंदाज लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा क्या उस कारोबारी से संबंध है, क्या उसके अरबों रुपए के कैश से क्या संबंध है उनका, क्या ये चुनाव का कोई हथकंडा तो नहीं है। इन सारी बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। बहरहाल जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स तक, इनकम टैक्स वालों से लेकर ईडी तक सभी पीयूष जैन की इत्र में करोड़ों बनाने की इस कला को खोज रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इत्र वाली अरबों की इनकम का सच क्या है। सवाल ये भी है कि क्या बिना नेता और नौकरशाहों की नियत के इकट्ठा हो सकती है इतनी सारी बेनामी इत्र।